फ्रेंड्स कैसे हो आप। अंकिता किचन्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक और कॉर्न की सब्जी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है और साथ ही हमने पालक को अच्छे से साफ़ कर लिया है, इन्हें तोड़ के अच्छे से धुल लिया है। तो चलिए बनाने के प्रोसेस में आगे चलते हैं। बनाने के लिए हमने पानी को रख दिया है बॉयल होने के लिए और साथ ही कॉर्न को हल्का सा इसमें डाल दिया है। 8 से 10 मिनट से ऐसे ही ढक दें, पानी गर्म करें, उसमें थोड़ी सी नमक डाल दें और कॉर्न को डाल के ढक दें। तो पानी अच्छे से गर्म हो गया, साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी और इसे अच्छे से उबलने दें। पानी अच्छे से गर्म हो गया तो चलिए पालक को इसमें डाल देते हैं और इसे 8 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये पालक अच्छे से उबल गया तो चलिए फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे छान के ठंडे पानी में डाल लेते हैं। तो हमने इसे ठंडे पानी में डाल दिया, हल्का सा ठंडा हो गया, इससे इसका कलर बरकरार रहता है। तो चलिए अभी इसे छान के ग्राइंड कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से पीस लिया। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे बनाने के लिए तेल हल्का सा गर्म हो गया, साथ ही डाल देंगे हींग, जीरा, इन्हें डाल के हल्का सा इसे चला लें। इसमें डाल देंगे तेजपात, हरी मिर्च और इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। डाल देंगे लहसुन, हमने इसे अच्छे से क्रश कर लिया था, अदरक और लहसुन कच्चे से घिस लिया था। तो चलिए अभी हल्का सा चला देते हैं। डाल देंगे प्याज, हमने इसे पीस लिया था, और इसे हल्का सा चला दें। ऐसे ही चलाते रहें 4 से 5 मिनट, इन्हें अच्छे से भून लें। फ्लेम को मीडियम या हाई कर दें। बिल्कुल भी प्याज अच्छे से भुन गया है तो चलिए अब इसमें डाल देंगे टमाटर, इन्हें भी अच्छे से भून लें, मिक्स कर लें। इसे ऐसे ही चलाते हुए भून लें। तो टमाटर भी अच्छे से भुन गया है तो इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब डाल देंगे इसमें मसाले, लाल मिर्च पाउडर, मसाले और ये हल्दी पाउडर, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और इसे भी भून लें। क्योंकि मसाले अच्छे से भून गए तो इसमें अपना पालक डाल देंगे और साथ ही जो हमने इसमें बचा हुआ था इसमें हल्का सा पानी डाल के घोल लें और इसमें डाल दें, इसका यूज़ कर लें। ऐसे चला लें, ऐसे चला के इसे पकाएँ। देख सकते हैं हमने इसे भी अच्छे से पका लिया। यहीं डाल देंगे इसे कॉर्न जो हमने अच्छे से हल्का सा बॉयल कर लिया था और इन्हें भी अच्छे से मिला लें। देख सकते हैं कॉर्न को भी अच्छे से मिक्स कर दिया। अब डाल देंगे इसमें गरम मसाला, हमने घर पे इसे कूट के बना लिया खड़े मसाले को, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लें। पालक प्यूरी की सब्जी बनाते समय ध्यान रखें क्योंकि इसके छींटे ज़्यादा आते हैं, थोड़ा दूर रखें और सावधानी से चलाएँ। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे क्रीम, आप घर पे बनाए हुए क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर पे फ्रेश मलाई हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को स्लो रखें और फिर इसे ऐड करें, नहीं तो फट जाता है। और ऐसे ही चला लें, डालने से टेस्ट अच्छे आते हैं और थोड़ी इसमें रिचनेस आ जाती है। चलिए थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं, अच्छे से भुन गया है। कर देंगे थोड़ा सा पानी, पानी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे मिला लें, फ्लेम को स्लो कर दें और 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पका लें। सब्जी बन के रेडी हो गई है तो चलिए फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं पालक और कॉर्न की सब्जी बन के रेडी हो गई है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। किसी के आने पे आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप इसे जरूर ट्राई करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सभी को बाय बाय।